महाभारत की जब जब बात आती है तब तब महारथी कर्ण की बात आती है, और बहुत लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि कर्ण जो कि पुण्यात्मा था उसने कौरवों का साथ क्यों दिया, कर्ण के अंदर सद्गुण थे तब भी वो कौरवों की सेना के साथ में क्यों खड़ा हुआ था। काफी लोग कहते हैं कि दुर्योधन के साथ दोस्ती निभाने की बात थी इसलिए अंत तक कर्ण डटा रहा, लेकिन शुरुआत यहां से नहीं होती है, इस कहानी की शुरुआत कर्ण के पूर्व जन्म से होती है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं आरजे कार्तिक एक्स्ट्राज, एक ऐसी मिस्ट्री जिसके बारे में बात करते हैं। कथाओं में कहा गया है कि एक असुर था जिसका नाम था दंबोद्भव, उसने सूर्यदेव की बड़ी तपस्या की और भगवान सूर्यदेव जब प्रसन्न हो गए तो वर मांगने को कहा, और उस असुर ने जिसका नाम था दंबोद्भव उसने अमृतत्व का वरदान मांग लिया। सूर्यदेव ने कहा कि यह संभव नहीं है, तब उसने मांगा कि उसे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले और इनमें से एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 सालों की तपस्या की हो, 1000 वर्ष तक उसने तप किया, और जैसे ही कोई वो कवच को तोड़े तुरंत उसे मृत्यु मिल जाए। सूर्यदेव बहुत चिंतित हुए, वो इतना समझ पा रहे थे कि ये जो असुर है दंबोद्भव ये इसका दुरुपयोग करेगा, लेकिन उसकी तपस्या थी उसके आगे वो मजबूर थे और उन्हें ये वरदान देना पड़ा। इन कवचों से सुरक्षित होते ही दंबोद्भव ने वो सब किया जिसका सूर्यदेव को डर था। दंबोद्भव को जब अपने सहस्त्र कवच 1000 कवच मिल गए तो उस शक्ति को उसने अपने आप को अमर मान लिया और मन चाहे अत्याचार इस सृष्टि पर करने लगा, उसे सहस्त्र कवच के नाम से जाना जाने लगा। उधर बात करें तो सती जी के जो पिता थे दक्ष प्रजापति, उन्होंने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया था। मूर्ति ने सहस्त्र कवच के बारे में सुना हुआ था और उन्होंने भगवान श्री विष्णु जी से प्रार्थना की कि आप इसे खत्म करने के लिए आगे आइए। भगवान विष्णु जी ने आश्वासन दिया कि वो ऐसा करेंगे और समय के चक्र में मूर्ति ने 2 जुड़वां पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम हुए नर और नारायण। दोनों 2 शरीरों में होते हुए भी एक आत्मा थी और भगवान विष्णु जी ने 2 शरीरों में एक आत्मा के रूप में अवतरण लिया था जिनका नाम था नर और नारायण। दोनों भाई जब बड़े हुए तो एक वन में एक तपोभूमि में वो तप कर रहे थे। उस तपोभूमि पर आक्रमण करने के लिए तब दंबोद्भव नाम का असुर आता है और वो देखता है कि एक तेजस्वी मनुष्य उसकी तरफ दौड़ा चला आ रहा है, उसको डर का अनुभव होता है। वो व्यक्ति कहता है कि मैं नर हूं, तो इस बात पर दंबोद्भव हंसकर कहता है कि तुम मेरे बारे में जानते हो क्या, हो मेरा कवच तो वो तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्षों की तपस्या की हो। नर जो है वो हंसकर कहते हैं कि मैं और मेरा भाई नारायण एक ही हैं, वो मेरे बदले तप कर रहे हैं और मैं उनके बदले युद्ध कर रहा हूं। युद्ध शुरू होता है और उस सहस्त्र कवच को आश्चर्य हो जाता है कि सच में नारायण के तप से नर की शक्ति बढ़ती चली जा रही थी, और जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूरा होता है नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया, लेकिन जैसा कि सूर्यदेव ने वरदान दिया था जैसे ही कवच टूटा नर मृत होकर के जमीन पर गिर पड़े। सहस्त्र कवच को लगा कि एक कवच गया ही सही लेकिन एक को तो मैंने मार दिया, लेकिन तभी उसने देखा कि नर उसकी ओर फिर से दौड़ा चला आ रहा है, और अब की बार वो आश्चर्यचकित था, वो नर नहीं थे वो नारायण थे। दंबोद्भव इस सब के बीच में चक्कर में पड़ गया, आश्चर्यचकित हो गया कि क्या हुआ, अभी तो उसके सामने नर की मृत्यु हुई और अभी ये मेरे सामने जीवित होकर कैसे आ गया। लेकिन जब वो पास आने लगे तो समझ में आया कि नर तो मृत पड़े हुए थे, उनके भाई हूबहू दिखने वाले नारायण दौड़े चले आ रहे थे और वो दंबोद्भव की तरफ नहीं बल्कि अपने भाई नर की तरफ दौड़े आ रहे थे। दंबोद्भव ने हंस करके कहा कि तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था, इसने अपने प्राण व्यर्थ में गंवा दिए। नारायण शांति से मुस्कुराए और नर के पास बैठ करके कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कार हुआ कि नर जो थे वो उठ खड़े हुए। तब दंबोद्भव की समझ में आया कि 1000 वर्षों की शिवजी की तपस्या करने से नारायण को मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि मिल गई है जिससे वो अपने भाई को पुनर्जीवित कर सकते हैं, और इस बार नारायण ने दंबोद्भव को ललकारा और नर तपस्या करने लगे। 1000 साल का युद्ध हुआ और तपस्या के बाद एक और कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर के नारायण को पुनर्जीवित कर दिया। ये चक्र चलता रहा, कभी नर मृत होते नारायण बचाते, नारायण मृत होते नर जो है वो 1000 वर्ष की तपस्या करते बचाते, ये चक्र चलता रहा। और इस तरीके से 999 बार युद्ध हुआ, 999 कवच जो थे सहस्त्र कवच के यानी कि दंबोद्भव के वो टूट गए। अब सिर्फ और सिर्फ एक कवच बचा था। अब दंबोद्भव का जो जितना दंभ था वो सब खत्म हो गया, उसे लगा कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब वो दौड़ करके भाग करके सूर्यदेव की शरण में सूर्यलोक में पहुंच गया और उसके पीछे पीछे नर और नारायण दोनों जो है वहां पहुंच गए पीछा करते, और भगवान सूर्यदेव से कहा कि इसे सौंप दीजिए,
लेकिन सूर्यदेव राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने भक्त को नहीं सौंप सकता। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल निकाला और सूर्यदेव को श्राप दिया कि आप इस असुर को इसके कर्म फल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप भी इसके पापों के भागीदार होते हैं और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे इसका कर्म फल भोगने के लिए। इसी के साथ में वो युग समाप्त होता है और द्वापर का प्रारंभ होता है। समय चक्र के साथ में माता कुंती अपने वरदान को जांचने के लिए सूर्यदेव का आह्वान करती हैं और कर्ण का जन्म होता है। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि कर्ण सिर्फ सूर्य पुत्र ही नहीं, बल्कि उनके अंदर सूर्य और दम्बोद्भव दोनों हैं। जैसे नर और नारायण दो शरीरों में एक आत्मा थी, उसी तरह कर्ण के एक शरीर में दो आत्माएं थीं, एक सूर्यदेव और दूसरा सहस्त्र कवच। दूसरी ओर नर और नारायण भी इस बार धनुर्धर, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश था वो उसे तेजस्वी वीर बनाता था, और जो दम्बोद्भव था वो कर्म फल के हिसाब से उसे अनेकानेक अन्याय सहने पर मजबूर करता था। यहाँ तक कि उससे जो पाप हुए वो भी दम्बोद्भव ने ही करवाए, चाहे वो द्रौपदी का अपमान हो और सारे बुरे पाप हों, बुरे कर्म। अगर अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ देते तो तुरंत अर्जुन की मृत्यु हो जाती, इसीलिए इंद्रदेव ने कर्ण का कवच पहले ही मांग लिया था। ये थी कर्ण के पूर्व जन्म की कथा कहानी। अगर आज के जमाने की बात करें, अभी के समय में उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम जो है नर और नारायण पर्वत के बीच में स्थित है, जिसे नर नारायण पर्वत कहा जाता है। ये तपोभूमि थी ऋषि नर और नारायण की, जहां भगवान विष्णु के अंश जो थे नर और नारायण, उन्होंने तपस्या की थी। देखते रहिए आरजू कार्तिक एक्स्ट्रा, जहां आपको बहुत सारी मिस्ट्रीज के बारे में मालूम चलता रहेगा।